मध्य प्रदेश के अतरेटा एवं भगवापुरा थाना पुलिस को एक झूठा ऐप षड्यंत्र से भरा झूठा गोलीकांड मामले का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। दोनों पुलिस थाना प्रभारियों की सक्रिय कार्रवाई एवं सूझबूझ से रोहित मेर गोलीकांड का खुलासा किया गया है। 10,000 रुपये के इनामी बदमाश हेमू उर्फ हेमंत तिवारी ने अपने दुश्मनों को फंसाने के लिए रोहित मेर को 3,00,000 रुपये का प्रलोभन देकर षड्यंत्र रचा था। इसके चलते रोहित में हेमू उर्फ हेमंत तिवारी ने गोली मार दी थी। जब इस मामले की जांच की गई तो पुलिस को मामला समझते देर नहीं लगी और इस फर्जी गोलीकांड के षड्यंत्रकर्ता पुलिस की पकड़ में आ गया और पूरी कहानी पुलिस को बता दी। आरोपी बीते 11 मार्च 2018 को सफ़ेद कार से आए थे। जांच के दौरान दतिया से मार्ग में आई CCTV फुटेज चेक खंगालने गए और आरोपियों द्वारा षड्यंत्र पकड़ में आ गया। उक्त फर्जी एवं झूठ गोलीकांड का खुलासा पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के समक्ष किया है। बताया गया है कि आरोपी भोपाल के अमू मर्डर केस के मुख्य गवाह दीपक कुशवाहा, शेरू विश्वकर्मा एवं मोहित मीणा निवासी भोपाल को झूठे हत्या के प्रयास के मामले में फंसाना चाहते थे। फरियादी रोहित मेर ने रतनगढ़ माता मार्ग पर अपने साथियों के साथ षड्यंत्र रचकर भोपाल के अमू हत्याकांड के गवाहों को फंसाने के लिए रचा था। पुलिस की सूझबूझ के फरियादी और उसके साथी बने आरोपी। पुलिस ने इस मामले का पटाक्षेप करते हुए फरियादी रोहित मेर, हेमू उर्फ हेमंत तिवारी, लकी उर्फ आदर्श शाहू, लकी का पिता, एक महिला बाजी एवं कार चालक को हत्या के प्रयास का आरोपी बनाया है। पुलिस को मामले का खुलासा करने में CCTV फुटेज की मदद मिली। पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी ने पुलिस कंट्रोल रूम में उक्त मामले का खुलासा करने पर अतरेटा थाना प्रभारी वैभव गुप्ता एवं भगवापुरा थाना प्रभारी रविंद्र कुमार व उनकी टीम को इनाम देने की घोषणा की है। ये क्लियर हुआ है कि जो जिन लोगों का नाम ये ले रहा है उसमें हेमंत तिवारी उर्फ हेमू, ये भोपाल का एक शातिर अपराधी है। इसके ऊपर 20 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं और अभी भी ये भोपाल से फरार चल रहा है। 10,000 रुपये का वहाँ पे इनामी है। इसके साथ में ही आदर्श साहू उर्फ लकी, ये भी साथ में आता है, ये भी भोपाल का शातिर अपराधी है और इसके ऊपर भी इनाम चल रहा है। और लकी साहू उर्फ आदर्श साहू का बाप संत राम साहू, ये भी इनके साथ में यहाँ पे आया था। बजरिया थाने की एक महिला भी इनके साथ में आई थी जो कि भोपाल मर्डर केस के प्रमुख अभियुक्त की पत्नी है और साथ में एक ड्राइवर। इन लोगों के नाम इसने बताए हैं जिस पर से इनके खिलाफ अपराध क्रमांक 19/18 थाना भगवापुरा धारा 308, 120B, 182, 211, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके बाद इसमें फर्दर विवेचना करके जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद। मध्य प्रदेश के दतिया से नवल यादव की रिपोर्ट।